गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड डूइंग योर वर्क प्रॉपरली. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस पोएम नंबर 11 फ्रॉम आवर बुक फर्स्ट फ्लाई. द नेम ऑफ द पोएम इज फॉर एनी ग्रेगरी, रिटन बाय विलियम बटलर इट्स. ही वॉज बोर्न इन 1865, ही डाइड इन 1939. ही वॉज एन आयरिश नेशनलिस्ट. ही वॉन नोबेल प्राइज. This poem is a conversation between Annie Gregory and another speaker. Another speaker is not made clear by the poet. He may be poet himself or may be poet's friend. In the very first stanza, the another speaker is addressing Annie Gregory. He is telling Annie Gregory that there is no one who will love you for yourself, for your inner beauty. Anyone who will love you will love for your outer beauty, for your beautiful hairs only. In the second stanza, Annie wishes that she wanted a person who can love her for her inner beauty, not for her beautiful hairs or not for her outer beauty. She wanted to be loved for her inner self. She expresses the views that outer beauty can be changed. So, there will be a person who can love her for herself only. In the third stanza, again, the other speaker is telling Annie Gregory, human being does not have the ability to love anyone for herself or himself. Only God can love a person or a human being for their self, for their inner beauty. Men can't see inner beauty. Let's discuss the poem line by line. Never shall a young man thrown into despair. Despair means hopelessness. यहाँ पर पोएट लिखता है कि कभी भी कोई भी जो यंग मैन है, कोई भी युवा व्यक्ति है जो तुम्हें पसंद करेगा, जो तुम्हें लव करेगा, वो उदास नहीं होगा, कभी भी उदास नहीं होगा. किस वजह से? By those great honey colored ramparts, कि वो बहुत ही सुंदर जो हनी कलर्ड गोल्डन कलर्ड रैम्पार्ट हैं. हनी कलर मीन्स क्या है? गोल्डन कलर. गोल्डन कलर के रैम्पार्ट है. रैम्पार्ट मीन्स होता है ए हाई वाइट वॉल अराउंड ए कैसल और ए फोर्ट. बट यहाँ पर पोएट ने लोक ऑफ हेयर के लिए यूज किया है कि जो लोक ऑफ हेयर है जो तुम्हारे कानों के ऊपर, उसके वजह से वो क्या करता है? स्टॉप करता है किसी को भी तुम्हारे इनर ब्यूटी देखने से, क्योंकि वो इतने सुंदर हैं कि जो ह्यूमन बींग है, ए यंग मैन है, वो सिर्फ उन्हीं की तरफ अट्रैक्ट होकर के रह जाता है. By those great honey colored ramparts at your ear, कि जो तुम्हारे कानों पर इतने सुंदर सुनहरे बाल हैं, उनकी वजह से love you for yourself alone and not your yellow hair, कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो तुम्हें प्रेम करे सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे येलो बालों के लिए नहीं. Here the poet is describing that no one is able to see inner beauty because of the beautiful hair of Annie Gregory. Let's discuss the rhyming scheme, the figure of speech, poetic device in this stanza. The rhyming scheme is, here we can mark A, man A, despair, different sound hai man se, to despair pe kya karenge? B. To rhyming scheme hum yahan par likh lete hain A, B, in third line, कलर्ड. कलर्ड दोनों से डिफरेंट है, मैन डिस्पेयर कलर डिफरेंट है, तो क्या आ गया? सी. देन ईयर. ईयर और डिस्पेयर में साउंड सिमिलर है लास्ट में, तो क्या आ गया? बी. नेक्स्ट एलोन, फिर से डिफरेंट साउंड है. टी. हेयर ईयर और डिस्पेयर से लास्ट में मिलती हुई, तो क्या है? बी. तो राइमिंग स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा इज ए बी सी बी डी बी. Now, honey colored rampart. यहाँ पर
पोइट है वो कंपेयर कर रहा है एनी ग्रेगरी के हेयर्स को, तो यहां पर जब कंपैरिजन है तो क्या आ गया, मेटाफर। मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट है यू आर येलो, वाई की साउंड रिपीट हो रही है, यू आर येलो, जब ऐसे साउंड रिपीट होते तो क्या होता है, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया यहां पर पोइट ने यू आर येलो में। नेक्स्ट, नेवर सेल ए यंग मैन थ्रोन इन टू डिस्पेयर, ये लाइन कॉन्टिन्यू यहां पर, बाई दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर, लाइन कॉन्टिन्यू है तो यहां पर इन जजमेंट भी पोइट ने यूज किया है। जब एक लाइन में सेंटेंस कंप्लीट ना हो, नेक्स्ट लाइन तक कंटिन्यू हो, तो इंजेंटमेंट होता है, वो यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है। स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस स्टैंजा नंबर टू। इन दिस स्टैंजा एनी ग्रेगरी रिप्लाइज टू द पर्सन, बट आई कैन गेट ए हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर। एनी ग्रेगरी इज टेलिंग टू द पर्सन हु इज सेइंग दैट नोबडी विल लव फॉर योर सेल्फ, anyone who will love you for your yellow hair, for your beautiful hair. तो एनी कहती है परंतु आई कैन गेट ए हेयर डाई, हेयर डाई मीन्स है हेयर कलर, कि मैं हेयर कलर ले सकती हूँ, बालों को कलर कर सकती हूँ, एंड सेट सच कलर देयर, और मैं कलर लगा सकती हूँ बालों में, किस किस तरह के ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, मैं अपने बालों को विभिन्न प्रकार के कलर से कलर कर सकती हूँ, रंग सकती हूँ, कैरेट कलर में, कभी ब्राउन में, कभी ब्लैक में, मींस मैं अपनी आउटर ब्यूटी को चेंज कर सकती हूँ। दैट यंग मैन इन डिस्पेयर, कि जो युवा व्यक्ति है वो उदासी में, डिस्पेयर मींस क्या, डिसअपॉइंटमेंट और होपलेसनेस। डिसअपॉइंटमेंट, मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन, कि उस युवा व्यक्ति को होपलेसनेस में मेरे लिए, सिर्फ मेरी अंतरात्मा के लिए, इनर सेल्फ के लिए ही लव करना होगा, एंड नॉट माय येलो हेयर, और मेरे येलो हेयर्स के लिए नहीं, मेरे पीले बालों के लिए नहीं, गोल्डन हेयर के लिए नहीं, ब्यूटीफुल हेयर के लिए नहीं। एनी एक्सप्रेसेस हर व्यूज दैट आउटर ब्यूटी कैन चेंज बाय एनीवन, हियर शी टेक्स एन एग्जांपल ऑफ हेयर कलर, दैट कलर ऑफ हेयर कैन बी चेंज्ड बाय me into different colors and anyone who will love me for my hair will not be happy after changing the color. That's why I want a person who can love me for myself. Let's discuss the rhyming scheme of this stanza. Hair dye, dye में क्या sound आ रही है, I आ रही है, तो A कहेंगे यहाँ पर, they are different है, B carrot तीनों से different है, C despair, their despair सेम है, फिर से भी alone सबसे different है, D hair, pair hair B, तो rhyming scheme क्या है इस stanza की, A B C B D B. Let's see figure of speech. Said such, S की sound को repeat किया जा रहा है, alliteration है, फिर अगेन ब्राउन ब्लैक बी को रिपीट हो रहा है, वही एलिट्रेशन यहां पर है, मे मी माई सेल्फ, इस लाइन में भी क्या है, एलिट्रेशन। स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस हियर। Who is the speaker of this stanza? The speaker of this stanza is Annie Gregory. What kind of color she can set into her hair? Or what color she can dye in her hair? She can dye brown, black or carrot color in her hair. Why is the young man in despair? According to these lines, young man will be in despair because of the change of color, because he loves Annie Gregory for her outer beauty, for her golden hair, and me
He will not like any Gregory with another color like black, brown or carrot of her hair. What does any Gregory want here? Here any Gregory wanted a person who will love her for herself, not for her yellow hair. Let's see stanza number 3. In third stanza, speaker tells any Gregory that he heard a religious man last night who is telling that only God can love you for yourself and not for your outer beauty. I heard an old religious man. Speaker कहता कि मैंने सुना एक बुजुर्ग धार्मिक पुरुष को, but yesterday night means क्या last night, जिसने पिछले रात्रि declare, announce. जिसने पिछले रात्रि क्या किया, अनाउंस किया, डिक्लेयर किया, बताया दैट ही हैड फाउंड ए टेक्स्ट. टेक्स्ट मींस क्या, रिटन मटेरियल. उसे क्या मिला है, रिटन मटेरियल मिला है, क्या करने के लिए, टू प्रूव, ये सिद्ध करने के लिए दैट ओनली गॉड माय डियर कुड लव यू फॉर योरसेल्फ, कि प्रिय केवल जो गॉड है, भगवान है, वही तुम्हें प्रेम कर सकते हैं तुम्हारे लिए अलोन केवल, एंड नॉट Your yellow hair, जो कि तुम्हारी येलो हेयर को नहीं देखेंगे, तुम्हारी आउटर ब्यूटी को नहीं देखेंगे, इनर ब्यूटी के लिए प्रेम करेंगे. वो कौन है, सिर्फ गॉड ही ऐसा कर सकते हैं. Here the poet is telling that human being does not have the quality to love anyone for their inner beauty. He is not able to see anyone's inner self. He can only attracted by outer beauty. This quality is find in God only. Let's discuss the figure of speech in this stanza. You have to find out rhyming scheme yourself. Okay. He had alliteration. Next, alliteration he used hua hai. You yourself mein, your yellow mein. इनमें सब में एलिट्रेशन. दिस टू लाइन्स बिगिंस विद द सेम वर्ड दैट, जब दो लाइनें एक सेम वर्ड से स्टार्ट होती हैं तो फिगर ऑफ स्पीच होती है एनाफोरा. तो यहां पर क्या है, एनाफोरा है. स्टूडेंट्स, हु इज द स्पीकर ऑफ दिस स्टैंजा, द अनदर पर्सन who is talking to Annie Gregory is the speaker of this stanza. What did he hear? He heard a religious man who declares that he has a text to prove that only God can love you for yourself. Who can love you for yourself only? God. God can love you for yourself only. Does human has have the quality to love anyone for their self? No. This quality is found only in God. Students, we have discussed this point. I hope it is clear to you.